अभी बज रहे हैं 6, तो बाहर का मौसम ऐसा कुछ हो रहा है, अंधेरा हो रहा है और अभी एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, कोई नहीं दिख रहा और आज तो धुंध भी नहीं है, मौसम भी साफ सा लग रहा है एकदम। और सुबह सुबह पता नहीं जितनी ठंड लगती थी आज उतनी सर्दी भी नहीं हो रही है कुछ। तो फिर मैंने किचन में आ गई हूँ, इधर मेरी चाय बन रही है और अनुषा के छोले बन रहे हैं लंच के लिए। तो छोले मैंने रात ही उबाल दिए थे कि सुबह फिर भागम भाग मचती है, इतने छोले बन रहे हैं। अनुषा को उठाने गई थी तो मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया है कि हस्बैंड भी सो रहे थे, अनुषा भी इनकी नींद ना ख़राब हो, अनुषा को उठाया है और बस वो उठते उठते आधा घंटा लगा ही देती, इतने में अपना लंच तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने बथुए के पराठे बनाए थे और अनुषा ने मना कर दिया था कि उसे पराठे नहीं खाने हैं, तो उसने अपने लिए ब्रेड तलवाई थी। तो मैंने पराठे बनाए सिर्फ हस्बैंड के लिए, इतनी सुबह सुबह मुझे भूख नहीं लगती और हस्बैंड उठ जाते हैं तो उन्हें फिर उठते ही नाश्ता चाहिए होता है, तो उनके लिए मैंने पराठे बना दिए थे और चाय पराठे सब तैयार है और बस चावल बनाने हैं मुझे। हेलो माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे सारे काम हो गए, साफ़ सफाई सब हो चुकी है और अनुषा स्कूल गई है तो बिल्कुल भी आज मेरा मन नहीं लग रहा है, घर पर रह के ली हूँ कब से, मैं बस इधर उधर कर रही हूँ मगर मन नहीं लग रहा। आज अनुषा को लेने भी जाना है स्कूल, अभी तो काफ़ी टाइम है तो सोचा चलो इतना आपसे बात कर लेती हूँ। तो मैं रेलिंग पर ही खड़ी थी तो अभी दो स्कूटी वालों की टक्कर हो गई, पता नहीं हमारे ना गेट के बाहर इतनी ज़्यादा कभी कोई स्कूटी ठोक देता है, बाइक ठोक देता है, इस कोने पर पता नहीं बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, ज़्यादा तो नहीं लगती किसी को नहीं, सिर्फ बाइक का ही आगे का चेहरा ख़राब हो जाता है, स्कूटी हो या बाइक हो। तो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी अभी, तो उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया, काफ़ी भीड़ लगी थी, जब पुलिस आई तो भीड़ भी आधी कम हो गई। तो एक बाइक वाला कह रहा चार आदमी खड़े थे यहाँ पर, आप किसी से भी पूछ लो, जब पुलिस वाले पूछ रहे थे वो चार आदमी गायब हो गए, कोई बोलने वाला ही नहीं था। सच बात है कि हाँ ये चार आदमी पता नहीं कौन होते हैं, हम जिस इतना सोचते हैं चार आदमी क्या कहेंगे, चार आदमी बोल रहे हैं चार आदमी, असल में मुझे लगता है ये चार आदमी कोई नहीं होता, हम ही होते हैं। जब आप पर कोई परेशानी आती है ना, वो चार आदमी कहीं नज़र नहीं आएंगे, कहीं भी ऐसे गायब हो जाएंगे कि जैसे कभी थे ही नहीं। आपसे अगर कोई छोटी सी गलती हो जाए तो चार आदमी सबसे आगे खड़े नज़र आएंगे, क्या हाँ बातें बनाने के लिए कि हाँ क्या हुआ है क्या नहीं। और जहाँ आपने कोई एक भी अच्छाई की हो ना तो चार आदमी कभी नहीं आएंगे कभी। तो मुझे तो लगता है कि ये चार आदमी के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए, ये कभी नहीं आते परेशानी में, तो कभी नज़र नहीं आएंगे कहाँ थे कहाँ नहीं। और आप पर थोड़े सी अगर आपसे गलती हो गई हो या कुछ, वो बातें फैलाने के लिए सब में आ जाएंगे, आपसे आपकी अच्छाई बताने के लिए कभी कोई नहीं आएगा। तो बहुत हर कोई बहुत नहीं हर कोई ज़्यादातर ये सोचता है हम ये हमसे ये हो गया, चार आदमी क्या कहेंगे, हम ये करेंगे चार आदमी क्या कहेंगे। तो ये चार आदमी कोई नहीं होते हैं, आपको कहीं कभी नज़र नहीं आएंगे, ये हमारी सोच है कि चार आदमी, इसलिए इनको इग्नोर करके चलो ना, वो चार आदमी दिखने ही बंद हो जाएंगे। जितना हम देखते हैं ना ये चार आदमी दिख रहे हैं या देख रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो जब तक वो चार आदमी दिखेंगे आप उन्हें नज़रअंदाज करो, वो चार आदमी गायब हो जाएंगे। तो बस यही हुआ, फिर थोड़ा सा वो चले गए और बस मैं यही सोचती थी चार आदमी के बारे में, क्योंकि ऐसा हो जाता होता किसी के साथ है ना, तो ऐसा लगता है शायद जैसे हमारे सामने अपनी कुछ आप बीती आ गई हो, ऐसा महसूस होने लगता है। तो चलिए फिर देखती हूँ क्या करना है, अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, क्या करूँ, काम भी नहीं है कुछ करने का। छोले सुबह अनुषा के लंच में देने थे तो सुबह ही बन गए थे, जब वो आएगी रोटी खाएगी पूरी चावल जो भी बनवाएंगे तभी बनाऊँगी पूछ कर, इतने फिर बैठी हूँ, फिर देखती हूँ क्या करना है। फिर गिफ्ट मिला है आज अनुषा को, हेयर बैंड और वो गले की मूंगफली खा रहा है, खानी है वो नहीं खानी, पीछे भालू आया खाने उसे दे दो, तेज हो रही है कल की उसे दे दो, वो आया खाने आपके पास। धूप में सागर सो गई थी और इतनी गहरी नींद आई कि अभी उठ रही हूँ, अभी 5 बज रहे हैं और अनुषा ट्यूशन गई है और वो चाय का मन कर रहा, अब चाय बनाती हूँ, आज कुछ भी शूट नहीं कर पाई सोने की वजह से, सो गई थी तो कोई नहीं, आज जल्दी उठ गई हूँ ना, रोज़ की आदत पर बन गई थी कि काफ़ी लेट उठ रही थी, 9:30 तक उठती थी और अब 5:30 बजे ही उठना पड़ा आज। अब स्कूल जाएगी तो रोज़ का रूटीन यही रहेगा, धीरे धीरे करके सेट होगा, चाय बनाती हूँ।
तो अनुषा की दोस्त का बर्थडे है कल, तो वो गिफ्ट लेने जा रही है, और ये अनुषा के पापा तो जा रहे हैं साथ में, तो फिर लेकर आती हूँ, फिर पता नहीं क्या पसंद आएगा उसको। उसका भी बर्थडे था ना, स्कूल बंद थे, तो फिर आज लाई थी उसकी फ्रेंड उसके लिए गिफ्ट। अब वो अनुषा लेने जा रही है, पता नहीं क्या पसंद आएगा, इस लड़की को तो कुछ पसंद भी नहीं आता। तो चलिए फिर मार्केट में। दिखाऊंगी, और ये चूड़ियाँ ली हैं, चूड़ियों का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा। और अनुषा ने उसकी फ्रेंड का बर्थडे है तो उसके लिए गिफ्ट लिया है। तो इधर मेरी चाय बन रही है और अनुषा उसके पापा खाना खा रहे हैं, और हमेशा मेरा वीडियो का एंड ही किचन में होता है चाय बनाते हुए। तो बस आज का यही था, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।